तो आइए दोस्तों बात करते हैं अपन आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में। अपन जानेंगे आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। नौकरी करने वालों के लिए सरकार की तरफ से एक बहुत ही अच्छी खबर आ रही है और साथ ही भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जी ने बड़ी नई स्कीम को लॉन्च कर दिया और इसके अलावा दोस्तों कुछ ऑफर्स की खबरें भी निकल कर आ रही है। साथ ही अपन जानेंगे आज के ताजा सोना चांदी और पेट्रोलियल के रेट्स भी और इसके अलावा मौसम समाचार भी बताएंगे। देश में किन किन राज्यों में ओलावृष्टि और भारी बारिश की चेतावनी निकल कर आ रही है और साथ ही कई राज्यों में अभी और भी ज्यादा ठंड के चलते सर्दी की छुट्टियों को बढ़ा दिया गया, किन किन राज्यों में और छुट्टियां घोषित की गई हैं वो भी बताएंगे। इलेक्ट्रिक कारों के सस्ते होने को लेकर भी एक बड़ी खबर आ रही है। साथ ही कुछ सरकारी नौकरियों के अपडेट्स भी अपन जानेंगे। तो दोस्तों बिल्कुल बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। सीधे बात करते हैं पहले अपडेट की, तो आप देख पा रहे होंगे दूध के बाद अब आइसक्रीम भी महंगी होगी। अमूल से लेकर वाडीलाल तक सभी कंपनियां अपनी आइसक्रीम के रेटें बढ़ाने जा रही है। 2020 की गर्मियों में आपको आइसक्रीम खाना कुछ महंगा पड़ेगा। देश की प्रमुख आइसक्रीम निर्माता कंपनियां अपनी आइसक्रीम के दामों में 8 से 15% तक की बढ़ोतरी करने जा रही है और बढ़ती महंगाई के चलते मिल्क पाउडर के दाम में भी भारी इजाफा होने की वजह से ये कंपनियों ने फैसला लिया है। चलिए अगला अपडेट आ रहा है नौकरी करने वालों के लिए एक बड़ी खबर है। सरकार बदल सकती है छुट्टियों से जुड़ा ये नियम। जी हाँ, नया साल यानी 2020 पुरुष कर्मचारियों के लिए एक तोहफा ला सकता है क्योंकि केंद्र सरकार इस तरह का फैसला ले सकती है। जिस तरह से दोस्तों किसी माताओं बहनों को जो सरकारी नौकरी करती है उनको बच्चे के जन्म के दौरान सरकार छुट्टियां भी देती है और उन छुट्टियों के दौरान उनको वेतन भी दिया जाता है, राइट, और उसे मैटरनिटी लीव कहा जाता है। ठीक उसी तरह से अब बच्चे के जन्म पर पिता को भी छुट्टियां मिलेगी, 15 दिन की हॉलीडे मिलेगी और उसको पैटर्निटी लीव सरकार घोषित कर सकती है। इस तरह के अपडेट्स चल रहे हैं, सरकार इस तरह की पॉलिसी बना रही है। अब जब भी ये कंफर्म नियम अपडेट आ जाएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। तो दोस्तों 2020 साल का पहला ग्रहण जो कि चंद्र ग्रहण लूनार एक्लिप्स जो है वो इसी महीने जनवरी में लगने जा रहा है। किस तारीख को लगेगा तो आपको बता दें दोस्तों, इस साल का पहला चंद्र ग्रहण 10 जनवरी 2020 को लगेगा, इसी महीने की 10 तारीख को, और ग्रहण का समय रहेगा रात 10:39 पर शुरू होगा और इसकी समाप्ति रहेगी रात 2:20 पर। जी हाँ, यानी कि दोस्तों इस साल का पहला चंद्र ग्रहण जो है वो टोटल 4 घंटे की अवधि के आसपास रहेगा। ये भारत में तो दिखेगा ही, इसके अलावा यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया कई देशों में भी दिखाई देगा। साथ ही आपको बता दें दोस्तों, इस साल माने तो 2020 में टोटल 6 ग्रहण लगने वाले हैं जिसमें 3 तो चंद्र ग्रहण होंगे और 2 सूर्य ग्रहण होंगे और साल 2020 का आखिरी सूर्य ग्रहण भी दिसंबर महीने में ही लगेगा जिस तरह से 2019 में लगा था। ये कुछ अपडेट्स हैं और भी इसकी डिटेल्ड जानकारी हम आपको DLS न्यूज के ऊपर सेपरेट वीडियो में चंद्र ग्रहण के ऊपर अलग से वीडियो बना देंगे, तो वहां से चेक कर लीजिएगा। फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। तो दोस्तों रिलायंस जियो एक और नई सुविधा शुरू कर सकती है। म्यूचुअल फंड का कारोबार भी अब आप माई जियो ऐप पर जियो मनी एप्लीकेशन के द्वारा यूज कर पाएंगे, इस तरह का अपडेट भी आ रहा है। अब देखते हैं कब तक आखिर ये सर्विस लॉन्च कर पाते हैं मुकेश अंबानी जी। चलिए नेक्स्ट अपडेट है, होंडा एक्टिवा 6G लॉन्च होने जा रही है। 15 जनवरी को ये लॉन्च होगी और सबसे अच्छी खास बात है ये टेक्नोलॉजी से लेस होगी, मोबाइल से आप इसे ऑपरेट कर पाएंगे। अभी तक इसकी प्राइस रिवील नहीं हुई है। 15 जनवरी को जब कंपनी से लॉन्च करेगी तो माना जा रहा है दोस्तों इसकी शुरुआती कीमत 57,000 आसपास हो सकती है। अगला अपडेट है, पाकिस्तान में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची महंगाई, 2,000 रुपए का हुआ गैस सिलेंडर। जहां पाकिस्तान की हालत क्या चल रही है आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर गैस सिलेंडर की रेट जो है ना दोस्तों वो 2,000 रुपए के भी ऊपर पहुंच चुकी है। जहां पहले 1,500 रुपए ही थी, नए साल में 500 रुपए बढ़कर सीधे 2,000 से ऊपर पहुंच गई। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कितनी गड़बड़ा रही है इसका अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। आटा, दाल से लेकर हरी सब्जियां सभी बहुत ही ज्यादा महंगाई पर चल रही है। दालें 200-250 रुपए प्रति किलो पर चल रही है, शक्कर भी 75 रुपए प्रति किलो से भी ज्यादा चल रही है। यानी कि पाकिस्तान की सरकार के हालत क्या चल रहे हैं आप समझ गए होंगे। चलिए अगला अपडेट आ रहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से दबाया बटन और 6 करोड़ किसान परिवारों के खाते में पहुंच गया 12,000 करोड़। जी हाँ, 12,000 करोड़ तक की राशि किसानों के खातों में पहुंच चुकी है। सरकार की प्लानिंग थी 14,000 करोड़ ट्रांसफर करने की, बट दोस्तों कुछ लोगों के खातों में अभी भी आधार कार्ड वगैरह लिंक्ड नहीं है, तो हो सकता है कि आपके भी खाते में किसान सम्मान निधि का पैसा जमा नहीं हुआ हो। अदरवाइज कल ही सभी खातों में किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2,000 रुपए ऑलरेडी जमा करा दिए गए हैं। उम्मीद है अगर आप भी इस स्कीम से जुड़े हुए हैं तो आपको मैसेज मिल गया होगा अपने मोबाइल में, और अगर नहीं मिला तो आप अपने नजदीकी CSC या ई-मित्र सेंटर पर जाकर के चेक करवा सकते हैं कि आपकी इस स्कीम से आधार कार्ड लिंक है या वगैरह वगैरह कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट अपडेट आ रहा है, देश में 2020 में 6 नए एम्स हो जाएंगे शुरू। उत्तर प्रदेश गोरखपुर से इसका आगाज होगा। नए साल में देश के अंदर 6 नए एम्स सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों को तोहफा मिल सकता है और इन 6 अस्पतालों में से 2 उत्तर प्रदेश, 1 पश्चिम बंगाल, 1 पंजाब, 1 महाराष्ट्र और 1 आंध्र प्रदेश में स्थापित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में रायबरेली और गोरखपुर में 2 अलग अलग एम्स का निर्माण चल रहा है। ये अच्छी बात है, देश के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर मिलेगी इससे। चलिए अगला अपडेट आ रहा दोस्तों फ्री इंटरनेट को लेकर। देख पा रहे दिल्ली मेट्रो में अब आप मुफ्त वाईफाई का मजा ले पाएंगे। एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन से इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। जी हां, आपको बता दें दोस्तों वाईफाई सेवा देने वाली देश की ये पहली मेट्रो लाइन बन चुकी है। करंट अफेयर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन जिसकी कुल लंबाई 22.7 किलोमीटर है वो एक पहली ऐसी मेट्रो लाइन बन चुकी
चुकी है जिसमें आप फ्री वाईफाई का इस्तेमाल कर पाएंगे और कल से ही इसका उद्घाटन हो चुका है, शुरुआत हो चुकी है। इसके साथ ही दोस्तों रेलवे को लेकर ही एक और अच्छी खबर देख पा रहे होंगे। ट्रेन में सफर के दौरान अब आप फ्री में मूवी देख पाएंगे और आप अपने अन्य पसंदीदा कार्यक्रम भी देख पाएंगे। जी हाँ, एंटरटेनमेंट ऑन डिमांड नाम से भारतीय रेलवे एक खास सुविधा शुरू करने जा रहा है और इसके तहत आपको एक रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ेगा और रेलवे में ट्रेवल करने के दौरान आप मुफ्त में अपनी पसंदीदा फिल्मों को एंजॉय कर पाएंगे। बहुत जल्द भारतीय रेलवे इस योजना पर काम शुरू कर चुका होगा और आपको इन सुविधाओं का फायदा मिल रहा होगा। चलिए अगला अपडेट है, बड़ी राहत भरी खबर है दोस्तों। अर्थव्यवस्था में सुधार का एक और नया संकेत देखने मिला। दिसंबर महीने में PMI जो है वो 7 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। PMI मींस परचेजिंग मैनेजर्स सूचकांक जो है, यानी कि देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग का आंकड़ा जो है दोस्तों, वो पिछले 7 महीनों की तुलना में सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गया। इससे पता चलता है कि देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है तो प्रोडक्टिविटी और सेलिंग भी बढ़ रही है और एटलीस्ट इकोनॉमी को फायदा ही हो रहा है। चलिए नेक्स्ट अपडेट है दोस्तों, CA के एग्जाम का शेड्यूल जारी हो चुका। ICAI ने चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षा 2020 के लिए टाइम टेबल अनाउंस कर दिया। 2 मई से लेकर 18 मई तक के बीच में परीक्षाएं आयोजित की जाएगी और आप ICAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के शेड्यूल चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट अपडेट है दोस्तों, 7 जनवरी को होगी GST को लेकर बड़ी बैठक और उसमें कई सारे फैसले हो सकते हैं। GST काउंसिल के नेक्स्ट मीटिंग 7 जनवरी 2020 को होने जा रही है और दोस्तों ये इस साल की GST काउंसिल की पहली मीटिंग होगी। अब देखते हैं इस मीटिंग में क्या क्या नए फैसले लिए जाते हैं। GST काउंसिल मीटिंग के हाईलाइट्स हम आपको जरूर बताएंगे 7 तारीख को। फिलहाल अगला अपडेट आ रहा, अमेजोन के ऊपर शुरू होगी फ्यूचर ग्रुप की सबसे सस्ती सेल और उस सेल का नाम होगा दोस्तों सबसे सस्ते दिन करके ये सेल शुरू होने जा रही है, जहां पर आपको अच्छे खासे ऑफर्स देखने को मिलेंगे। अब ये तो कुछ ही महीनों बाद शुरू होगी, लेकिन अभी जो दोस्तों अमेजोन के ऊपर सेल चल रही है उसको लेकर एक बड़ा अपडेट देख पा रहे होंगे। 1 से लेकर 3 जनवरी तक वाउ सैलरी डेज सेल करके एक अमेजोन के ऊपर सेल चल रही है, जिसमें आप इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स पर अच्छा खासा डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हैं। अब दोस्तों आज इसका ऑफर का लास्ट डेट है, तो आज अगर आप अमेजोन से शॉपिंग करते हैं तो इस सेल का फायदा आपको मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट अपडेट है दोस्तों, कैंसर को लेकर एक बड़ी खबर आप देख पा रहे होंगे। कैंसर मरीजों के लिए भी अच्छी खबर है, गूगल करेगा कैंसर मरीज की पहचान। कंपनी का दावा है कि डॉक्टर से भी बेहतर परीक्षण होगा इसका। जी हाँ, क्या आपको दोस्तों बताया जाए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI की मदद से कैंसर को डिटेक्ट करना पॉसिबल है और वो भी मेडिकल टेक्नोलॉजी से भी बेहतर तरीके से, तो शायद यकीनन आप विश्वास नहीं करोगे, लेकिन ये हकीकत है दोस्तों। टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल ने इस तरह का एक AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्रोग्राम तैयार किया है, जिससे ह्यूमन रेडियोलॉजिस्ट जो कि एक ऐसी तकनीक है जिसकी मदद से मेडिकल साइंस में कैंसर को डिटेक्ट किया जाता है, उस तकनीक से भी बेहतर तरीके से कैंसर मरीजों की पहचान की जा सकेगी गूगल की इस टेक्नोलॉजी की मदद से। और उम्मीद है ये टेक्नोलॉजी बहुत जल्द ग्लोबली लेवल पर कैंसर को डिटेक्ट करने में काम आएगी। ब्रेस्ट कैंसर हो गया या शरीर में किसी भी तरह का कैंसर है तो उसका पता अब आसानी से प्रोग्राम्स की मदद से लगाया जा सकेगा। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, आज के सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट को लेकर देख पा रहे होंगे। जेवराती ग्राहक की आने से सोने चांदी की चमक बढ़ी है। सोने की कीमतें 80 रुपए बढ़ोतरी हुई है और उसके बाद सोना 40,350 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया और वहीं चांदी 200 रुपए मजबूत होकर 47,650 प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। वहीं बात करें आज के पेट्रोलियल के रेट्स की, तो आप देख पा रहे होंगे नए साल में पेट्रोल और डीजल पहली बार महंगा हुआ। कल तो रेटों में कोई भी बदलाव नहीं था, हमने आपको बताया था, लेकिन आज पेट्रोल और डीजल के रेटों में 12 से 14 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई है और इसके बाद बेसिकली देश के महानगरों में दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल और डीजल की रेट लिस्ट क्या चल रही है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। चलिए अगले अपडेट में बात करें दोस्तों, आज के मौसम समाचार के तहत तो बड़ी खबरें आप देख पा रहे होंगे। बिहार और झारखंड के कई इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी निकल कर आ रही है और इसके अलावा अपडेट है दिल्ली में सर्दी से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में अभी भी कड़ाके की ठंड चल रही है और ये ठंड अगले कुछ दिनों तक लगातार जारी रहने की चेतावनी अभी भी मौसम विभाग की तरफ से जारी है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में बारिश का सिलसिला 2 दिन से जारी है और 2 दिन बाद ठंड के तेवर फिर से ज्यादा होने की संभावना आ रही है। साथ ही आप देख पा रहे होंगे दिल्ली में भी बादल छाए रहने की संभावना है, उत्तर प्रदेश में ओले गिर सकते हैं। आपके राज्य के मौसम की बात करें दोस्तों, तो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और हरियाणा समेत उत्तर भारत के तमाम राज्यों में ठंड का सितम अभी भी जारी है और ऐसे में UP और इसके आसपास के इलाकों में ओले गिरने की भी संभावना है, जरा सावधान रहिएगा। बिहार में भी ओले पड़ने की चेतावनी निकल कर आ रही है। इसके अलावा मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में और साथ ही झारखंड और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में भी आज और कल गरज चमक के साथ हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। अच्छा, मौसम को लेकर एक और अपडेट देख सकते हैं। झारखंड के अंदर ठंड बढ़ने से रांची के सभी स्कूलों में 7 जनवरी तक छुट्टियां घोषित कर दी गई है। जिला प्रशासन की तरफ से यह फैसला लिया गया, जहां पर सरकारी और प्राइवेट सभी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर तक के स्कूलों को 7 जनवरी तक बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। चलिए अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री को लेकर देख सकते हैं। मल्टी स्टारर फिल्में इस साल धूम मचा सकती हैं और इस साल बॉलीवुड का कलेक्शन 5,000 करोड़ मुनाफे की उम्मीद नजर आ रही है। 2019 में जो बॉलीवुड इंडस्ट्री का टोटल कलेक्शन रहा ना दोस्तों, वो था 4,350 करोड़, जो कि इससे पिछले साल की तुलना में कुछ बढ़ोतरी थी और अब 2020 में 5,000 करोड़ से ऊपर आंकड़ा पहुंच सकता है। और इसके साथ ही नेक्स्ट अपडेट है, श्रीलंका ने वीजा ऑन अराइवल की सुविधा को
30 अप्रैल तक बढ़ा दिया। जी हां, श्रीलंका ने भारत समेत 48 देशों के नागरिकों के लिए वीजा ऑन अराइवल की सुविधा को 30 अप्रैल 2020 तक बढ़ा दिया। श्रीलंका के पर्यटन मंत्री प्रसन्ना रणतुंगा ने बृहस्पतिवार को इस बात की जानकारी दी है और इससे उन सभी लोगों को फायदा होगा जो कि अलग अलग देशों के श्रीलंका के अंदर पर्यटक के रूप में घूमने गए हैं या प्लानिंग कर रहे हैं, तो इनके लिए अच्छा अपडेट देख सकते हैं आप। इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट है इलेक्ट्रिक कारों को लेकर अच्छी खबर है। टेस्ला को टक्कर देने के लिए बीएमडब्ल्यू और ऑडी भी इस साल प्रीमियम इलेक्ट्रिक कारें लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है। और साथ ही इलेक्ट्रिक कारों को लेकर एक और अच्छी खबर भी है दोस्तों, 2020 में आपको कई सस्ते इलेक्ट्रिक कारें भी देखने को मिलेगी क्योंकि देश के पहले इलेक्ट्रिक वर्जन बैटरी प्लांट में जल्द ही प्रोडक्शन शुरू होने जा रहा है। क्योंकि दोस्तों आपको भी पता होगा कि इलेक्ट्रिक कार का सबसे अहम हिस्सा ही बैटरी होती है, राइट। और ऐसे में लिथियम आयन बैटरी का प्रोडक्शन बहुत जल्द हमारे भारत में भी इसके प्लांट शुरू हो जाएंगे, तो इससे जाहिर सी बात है वो प्रोडक्ट हमारे देश में ही उत्पादित होंगे तो हमें सस्ती ही देखने को मिलेगी। और इसी के साथ ही नेक्स्ट अपडेट देख सकते हैं, नीरव मोदी पर कसा शिकंजा, संपत्ति बेचकर सरकारी बैंक पीएनबी करेगा बकाए की वसूली। जी हां, जिस तरह से कल खबर आई थी दोस्तों कि विजय माल्या की संपत्ति बेचकर एसबीआई वगैरह दूसरे बैंक अपने लोन की भरपाई करेंगे, ठीक उसी तरह से नीरव मोदी की संपत्ति को बेच करके अब पंजाब नेशनल बैंक 13,000 करोड़ रुपए का चूना लगाया जो नीरव मोदी ने उसकी भरपाई करेगा ताकि बैंकों की स्थिति सुधर सके। और इसी के साथ ही अगला अपडेट है, गुजरात के सीएम मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने ऐलान किया कि इस साल 34,000 से अधिक पदों पर सरकारी नौकरियां भर्तियां निकलेगी। तो वे छात्र छात्राएं जो गुजरात राज्य से कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए राहत भरी खबर है। अलग अलग डिपार्टमेंट में भर्तियों की डिटेल आप देख सकते हैं। और अगला अपडेट है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी बिजली दरों पर विद्युत नियामक आयोग ने लगाई रोक, उपभोक्ताओं को इससे बड़ी राहत मिली है। दरअसल आपको बता होगा दोस्तों, हाल ही में कुछ दिन पहले ही यूपीपीसीएल उत्तर प्रदेश बिजली का पावर कॉरपोरेशन जो है उसने 4 से 66 पैसे प्रति यूनिट तक की बिजली दरें बढ़ा दी थी, राइट। लेकिन इसके बाद दोस्तों बिजली विद्युत नियामक आयोग उत्तर प्रदेश ने वापस लोगों को राहत दी है और इस बढ़ी हुई बिजली दरों पर रोक लगा दी है, इससे आम आदमी को बड़ा फायदा होगा। अच्छा, अगला अपडेट है भारतीय रेलवे को लेकर देख पा रहे होंगे। रेलवे ने 139 हेल्पलाइन नंबर की सुविधाओं को और ज्यादा स्केल अप कर दिया, बढ़ा दिया। और इसके तहत अब आप दोस्तों रेलवे यात्रा करते समय 139 नंबर को डायल करके क्या क्या हेल्पलाइन ले पाएंगे। जहां पहले इस नंबर पर फोन करके आपको सिर्फ यात्रा से जुड़ी जानकारी ही मिलती थी, लेकिन अब इसी नंबर पर आपको रेलवे के दौरान सुरक्षा और मेडिकल इमरजेंसी की सुविधाओं का फायदा भी मिल सकेगा। इसके अलावा रेलवे की जनरल पूछताछ भी आप कर सकते हैं, पीएनआर किराया टिकट वगैरह के बारे में। इसके अलावा कैटरिंग संबंधित शिकायत भी कर सकते हैं, खाने पीने की चीजों से संबंधित। और रेलवे के दौरान आपको कोई भी समस्या होती है तो आम शिकायत भी आप यहां पर कर सकते हैं। ट्रेन एक्सीडेंटल केसेस की शिकायत भी 139 पर आप कर पाएंगे और शिकायत का स्टेटस भी चेक कर पाएंगे। इसके अलावा कॉल सेंटर अधिकारी से भी बातचीत आप 139 नंबर के द्वारा कर पाएंगे। तो ये रेलवे की तरफ से नई सुविधा शुरू की गई है। अगला अपडेट देख सकते हैं दोस्तों, भारत नहीं बल्कि दुनिया के 2 सबसे बड़े देश फैला रहे हैं सबसे ज्यादा पॉल्यूशन। प्रदूषण फैलाने के आंकड़ों से देखा जाए दोस्तों तो सबसे ज्यादा पॉल्यूशन दुनिया में जो फैलाता है वो है चाइना, जो कि 10.06 अरब मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड ईयरली प्रोडक्ट करता है। और उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, 5.41 इसका आंकड़ा है। और तीसरे नंबर पर है भारत जिसका आंकड़ा है 2.65। तो ये कुछ और भी ज्यादा डिटेल आप देख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज की बड़ी खबरें मुख्य समाचार ये खत्म होते हैं। और हाँ, साथ ही आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस देश की विदेश यात्रा की थी। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी डीएलएस न्यूज टीम के तरफ से और आपको शाउट आउट दिया जाएगा डीएलएस न्यूज के नेक्स्ट वीडियो में। तो जरूर लिखिएगा इसका जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको तमाम बड़ी खबरें और काम के समाचार सबसे पहले मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।